इंट्रोड्यूस करवाओ अपने आप उनका। ये पांच बंदों की फैमिली की ओर एक दूसरे को बताए बगैर अलग अलग पॉइंट पे इस तरह ये उस दिन उस रात चार बच्चे ना मेरे और मैं उस दिन जो वीडियो वायरल हुई है वो मेक मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ सर ये तो अभी तीन दस्ते थे पुलिस के ना जो खड़े थे उनसे मैं ये कह रही थी कि आप मतलब किस उससे मतलब क्या हम पाकिस्तानी नहीं है या आप इंडियन हो या हम इंडियन हो मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए बताओ ना किस लिए आए हो। वो कहते हम मजबूर। मैंने कहा तुम्हें रिजल्ट उसका कोई अल्लाह पे भरोसा नहीं है रिजल्ट तो उसने देने आज कह देते सब इनकार कर देते तुम। मैंने कहा वो तुमसे इतना प्यार करता है हमें आमने सामने नहीं चाहते थे खान साहब तो मैं इसलिए रो रही थी उनसे मैं कह रही थी कि वो तो ये चाहते ही थे आप लोग फिर इस तरह से मतलब कर रहे हो। तो वो एसपी था ना एक उसने देखा कि मतलब ये बड़ा बोल रही है उसने कहा पकड़ो इसको डाले में डालो। मैंने कहा हाँ डाले में डालो मुझे सारी गोलियां यहाँ खा कर जाऊंगी जिंदा नहीं जाऊंगी। तुमने क्या समझाया वो कहता है उसने मुझे गाली दी ना एसपी ने। हाँ जी अब मुझे ये अगर पता होता मॉल रोड पे था वो एसपी मॉल रोड पे गाली थी। आपने कौन सी वीडियो देखी होगी उनसे पुलिस वालों से जो फाइट कर रही थी वो मैं नहीं छोड़ती होती बदनामी। मैंने उसी वक्त मैंने कहा जो मुझे गाली दी है वो तेरी माँ तेरी बहन बगैरत के बच्चे ये तो बड़ा बोल रही है इसको फिर मुझे इधर सोटी मारी जोर से। मैंने कहा सोटी से क्या होता है गोली मारो ना मारो गोली इधर हमारी ऐसी की तैसी तुम्हारी आयो तुम लेने के लिए खान को हाथ तो लगाकर देखो पहले हमें मारो ना फिर उधर पहुंचना तू तुम्हारी जरूरत तुम्हारी। अच्छा जी वो लगे हुए थे उस वक्त तो मुझे उस वक्त इतना समझ नहीं आ रही थी कि क्या मुझे ये था कि मैंने कहा आप बेटा भाई हो हमारे तुम पैदा होते हो हम दुआएं करती हैं हम माए हमारे बेटा दे अल्लाह भाई दे आज तुम इस वर्दी में पहन के हम पे गोलियां चलाने आ गए हो क्या हम इंडियन है। अच्छा तो